सरकार भी ये दावा करती है कि वो किसान पुत्र की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। तो जो जिस बात पे दावा करती है, आप उसी दावे को खोखला साबित करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो पूछता हूँ तो सबसे खुशी तो किसान होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसानों पर तो गोली क्यों? अगर देश में कहीं भी गोली किसानों पर चली, मध्य प्रदेश में चली। ये लड़ाई कॉरपोरेट वर्सेस किसान की है। आप तो बड़े व्यवसायी हैं, व्यवसायिक घराने से आते हैं। मेरे पास कोई ना तो उद्योग है, ना तो कोई ऐसे कारोबार है, तो बता तो दे कहाँ मैं हूँ, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। फर्ज कीजिए सर कि अगर आपकी सरकार आ जाए तो जिस मुद्दों पर किसान यहाँ परेशान है, क्या उस मुद्दे पर उन्हें राहत मिलेगी? हम किसानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र बनाएंगे। जब वो राजधर्म और राष्ट्रधर्म की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो विरोध प्रदर्शन है उसमें राष्ट्रद्रोह आप कहाँ देखते हैं? ये तो कहेंगे पेट्रोल और डीजल का भाव जो बढ़े हैं उसका विरोध करेंगे, तो ये राष्ट्रद्रोह है। 5 सालों में वो ये कह रहे हैं कि 4 सालों में कुछ भी घोटाला नहीं हुआ, बहुत स्मूथ चली सरकार। अभी रुकते हैं, 1-2 साल रुक जाएं, सब सामने आ जाएंगे घोटाले। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस से खास बातचीत देखे IND 121 में नवीन पुरोहित के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ IND 24 पर।